मातृत्व। मातृत्व हर एक महिला के लिए सबसे ज्यादा खुशी का पल होता है। इसलिए जो महिला प्रेग्नेंट होती है वह हर पल यही कामना करती है कि उनका शिशु इस दुनिया में जब आए बिल्कुल स्वस्थ आए। क्या ये हम पहले से जान सकते हैं कि बच्चा स्वस्थ है? हाँ, ये पॉसिबल है। आइए जानते हैं कैसे। NIPT, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो महिलाओं की प्रेगनेंसी के 12 से 22 सप्ताह के बीच में किया जाता है। इस टेस्ट में शिशु की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी सेल फ्री DNA का टेस्ट किया जाता है। ये DNA माँ के ब्लड में होता है, इसलिए इस टेस्ट में माँ का ब्लड सैंपल ही लिया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की सर्जरी नहीं करनी पड़ती, इसलिए इसे नॉन इन्वेजिव चीरा रहित टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट संपूर्णतः सुरक्षित है। इस जेनेटिक टेस्ट में शिशु के DNA को चेक करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। आइए जानते हैं NIPT की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। डॉक्टर द्वारा NIPT रिकमेंड करने के कारण ये होते हैं कि शिशु में अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी हो तो पहले से ही पहचानी जा सके, जैसे डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम जैसी बीमारियों के बारे में पता लगाया जा सके। और इस स्क्रीनिंग से मिली जानकारी से माँ और शिशु की सही देखभाल करने में मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं NIPT किन महिलाओं को रिकमेंड किया जाता है। NIPT उन महिलाओं को सजेस्ट किया जाता है जो इस प्रकार की हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, IVF ट्रीटमेंट ले रही हैं, जिन्हें पहले से किसी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का रिस्क है, जिनकी जेनेटिक डिसऑर्डर की फैमिली हिस्ट्री है, एक से ज्यादा बार मिसकैरेज हुए हैं। आइए जानते हैं NIPT टेस्ट के क्या बेनिफिट्स हैं। इससे गर्भ में रहे शिशु की सेहत संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रेगनेंसी की शुरुआत में ही मिल जाती है। इससे डॉक्टर माँ और गर्भस्थ शिशु की अच्छी स्वास्थ्य की तैयारी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको NIPT के बारे में सही और उपयोगी जानकारी मिली होगी। खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।